है इस सीजन की मेरी पॉइंट्स की प्रिडिक्शन आईपीएल 2020 और कौन से वो पांच यंगस्टर्स हैं जो हम सबको कर सकते हैं पूरी तरह से इंप्रेस एंड हु कुड बी दैट सरप्राइज परफॉर्मर इन दिस एडिशन ऑफ द आईपीएल। इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आस्क आकाश और इसमें हम मतलब आप ही का ये तो सेगमेंट ही आपका होता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स तो शुरू करते हैं प्रज्वल जोशी जी का। ये बड़ा ही मजेदार सा सवाल है और इट्स पुट मी ऑन द स्पॉट स्ट्रेट अवे क्योंकि आप कठिन सवाल पूछते हो, उनसे जवाब मांगते हो तो सही है, ठीक है। पॉइंट्स का क्या प्रिडिक्शन है पॉइंट्स टेबल का? ओके लेट्स गो बाय दिस। दिल्ली कैपिटल्स 1, चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस 2 एंड 3, एट 4 RCB, 5 KKR, नंबर 6 पर सनराइज हैदराबाद, 7 पर राजस्थान, नहीं 7 पे किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स एट 8। ओके दिस इज माई प्रोडिक्शन, मतलब ये 8 टीमें, हालांकि मुझे लगता है कि 2 और 3 में थोड़े बदलाव की गुंजाइश है। CSK 3 पे हो सकती है, मुंबई 2 पे हो सकती है और नंबर 4 पे KKR हो सकती है और 5 पे RCB जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इफ़ यू वर टू आस्क मी माय टॉप 4 टीम्स, मैं आप 4 की जगह 5 पिक करूंगा तो दोज विल बी माय 5 पिक्स। और जो नहीं मैं पिक कर रहा हूं उसमें है राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइज हैदराबाद। वेल दैट्स व्हाट आई फील इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन एनी विच वे, देखते हैं। मतलब यू गॉट टू स्टिक योर नेक आउट एंड सी व्हाट हैपेंस, ये तो अपनी बात है यार, जो दिल में है वो बिल्कुल। रविंद्र त्रिपाठी का ये दूसरा सवाल है कि Which team has the most potent bowling lineup? Bowling lineups की अगर हम सिर्फ bowling को देखेंगे तो मुझे 2 teams नजर आती हैं। उनमें से एक team है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके पास spinners का plethora of spinners to suit these conditions। रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, इमरान ताहिर, पीयूष चावला, करण शर्मा, तो ये तो हुए इनका स्पिन डिपार्टमेंट। उसके बाद इनके पास है जॉश हेजलवुड, सैम करन, ड्वेन ब्रावो, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, लुंगेंगिड़ी। This is a proper bowling attack, boss. हो सकता है मैं कोई एक आधा मिस ही कर गया हूँ। So this is a very proper bowling attack, pace, spin. तो दूसरी टीम जो बहुत इनको टक्कर देती है और शायद आगे भी निकल जाती है ज़रा सा, that is Delhi Capitals. रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, संदीप लामिछाने, अमित मिश्रा, 4 स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स। कगिसो रबाडा, डैनियल सैम्स, नोकिया, ईशान शर्मा, आवेश खान, हर्षल पटेल, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हर्षल पटेल और आवेश को खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टू बी फेयर। तो इनके पास अगर आप ये देखें तो ये दोनों टीम्स का जो बोलिंग अटैक है इट्स टॉप क्लास। द ओनली डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस इसकी धोनी की कप्तानी में, हो सकता है बोलिंग जो है वो CSK की ज़्यादा निखर कर आ जाए, दैट्स अ पॉसिबिलिटी दैट डू नॉट फॉरगेट। अगर पीयूष चावला का नाम लिया था ना, लिया होगा जरूर, बिकॉज ही इज ऑल्सो देयर विद द चेन्नई सुपर किंग्स, बहुत बॉलर्स हैं इनके पास यार। Now the third question and it is an important question. Arya Yutsu ji ne ye question pucha hai ki what is this Castrol Active Match Protector contest this year? How to take part in it? It's a fantastic question, Arya. So question ka jawab ye hai ki ye Castrol Active hashtag Ask Akash pe Castrol Active Match Protector jo is pure season mein rehne wala hai aur aap log pehle bhi iska hissa ban chuke hain kyunki every game I'm going to pick a match protector aur match protector wo nahi hai jo man of the match hone wala hai। देखिए प्रिडिक्शन के समय पे क्या है कि आई एम थिंकिंग अबाउट हु इज लाइकली टू बी दैट गाय, क्योंकि जो मैन ऑफ द मैच है वो तो रेफरी और कमेंटेटर्स मिलके वो पिक करते हैं, वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। अपन लोग आपस में खेलते हैं तो उसके लिए कि मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो एक टीम का मैच प्रोटेक्टर बन सकता है, द समबडी हु इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड द गेम फॉर देम एंड नॉट नेसेसरली मैन ऑफ द मैच। तो उसमें एक छोटा सा डिस्टिंक्शन रहेगा, सो दैट विल बी डाउन टू माई जजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर गेम। तो पहले प्रिडिक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे और उसके बाद मैं किसी को अनाउंस करूंगा कि मेरे विचार में ये खिलाड़ी था जो मैच प्रोटेक्टर बना इस टीम का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा रन नहीं बनाता, सबसे ज़्यादा विकेट्स नहीं लेता, लेकिन वो धोनी भी तो हो सकता है ना जिसने कप्तानी में ऐसे चेंजेस किए हों जो मैन ऑफ द मैच के रूप में नहीं आएंगे लेकिन ही इज द वन हू मे हैव एक्चुअली प्रोटेक्टेड द गेम। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अब इसको करना कैसे है, भाग कैसे लेना है आपको, यू विल ऑल द डिस्क्रिप्शन आर गोइंग टू बी देयर, मतलब लिंक में भी है डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है वहाँ पर आप वहाँ पर वो भी जा सकते हैं। और उसके अंदर यू विल हैव टू पार्टिसिपेट, फर्स्ट यू हैव टू गो टू कैस्ट्रोल एक्टिव्स फेसबुक पेज, वहाँ पर आपको अपना बताना पड़ेगा कि हमारा ये प्रिडिक्शन, हमारा ये प्रिडिक्शन, और जैसे ही मेरा ठीक हो जाता है, मतलब मेरी प्रिडिक्शन से आपकी प्रिडिक्शन मैच करती है, तो फिर आपको उनके पेज पे जाके वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यू कुड बी वन ऑफ द लकी विनर्स। सो एवरी डे वी आर गोइंग टू गिव आउट समथिंग, सो दिस कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर द एंटायर आईपीएल, इट इज ऑल अबाउट यू। लेट्स
quickly move on to RN Anand, the top 5 youngsters to watch out for in this year's IPL. मुश्किल सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, क्यों? क्योंकि ये मंच वही है ना जहाँ पे युवा भारतीय खिलाड़ियों को चमकने का मौका मिलता है. तो लेट मी गो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. फर्स्ट आई विल पिक शुभमन गिल ओपनर फॉर द KKR. ये साल मुझे लगता है इनके लिए बहुत खास होने वाला है, स्पेशल होने वाला है. बहुत इसमें इनके एक तो मौके पूरे मिलेंगे और उन मौक़ों पर ये बहुत चौके लगाएंगे. तो शुभमन गिल भी माई फर्स्ट चॉइस. उनके बाद मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो मुझे यशस्वी जायसवाल नजर आता है. वो भी खिलाड़ी बहुत अच्छा है, बहुत दुरुस्त है. अच्छा, ये इनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका अच्छा रहेगा. इन्हें ओपन करने का मौका मिले राजस्थान रॉयल से और ये अच्छा करें. लेफ्ट हैंडेड स्वॉश बकलिंग पर वेरी गुड टेम्परामेंट यार. तो ये मेरा दूसरा खिलाड़ी हुआ. तीसरा होगा रवि बिश्नोई जो खेलते हैं किंग्स इलेवन पंजाब से. वहाँ पे अनिल कुंबले भी हैं. लेग स्पिन डालते हैं, बड़ी एक्यूरेट डालते हैं मालूम. थोड़े से वो फ्लैट ट्रैजेक्टरी पे, बहुत अच्छी गूगली, थोड़ी सी लेग स्पिन, ही हैज़ टू वर्क ऑन इट. वो मुझे लग रहा है अनिल पहले काम कर चुके होंगे इनके साथ. तो फिर ये तीन हुए. राहुल चाहर, दैट्स अनदर गाय, मतलब कि हमारा लेग स्पिनर है. और मुंबई इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा स्पिन बोलिंग डेप्थ नहीं है. जब नहीं है तो फिर यू वॉन्ट राहुल चाहर टू एक्चुअली कम टू द फोर. बहुत बड़े बड़े मैदान होने वाले हैं तो फिर उम्मीद यही है कि यहाँ पर उनको मौका भी मिलेगा, अच्छा भी करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे बहुत सारे नगर कोटी भी है, मावी भी है, देर आर मोर पीपल हु आर कंटेंडर्स इन दैट कैटेगरी. सर फराज भी है. आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर देवदत्त पालीकल यार. देवदत्त पालीकल को मैं देखना चाहता हूँ. देखिए पता नहीं आरसीबी खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, लेकिन अगर खिलाती है तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, थोड़े लंबे से हैं और बड़े अच्छे अच्छे हिट्स लगाते हैं और डोमेस्टिक सीजन का बहुत अच्छा रहा था. ये मेरे होंगे 5 युवा खिलाड़ी दैट मे एक्चुअली कॉट एवरी वन और दैट मे एंड अप कैचिंग एवरी वन. तो अगला सवाल यश श्रीवास्तव, क्या डेल स्टेन जो है वो ओल्ड आरसीबी गन हो, मतलब स्टेन गन हो सकते हैं? आई डोंट नो यार. सी स्टेन गन is great but Steyn Gunn is not the Steyn Gunn anymore, let's be honest. ki agar aap unki pehle ke pradarshan dekhein, he's been one of the matlab greatest bowlers ever without doubt. lekin kya wo death bowling mein achhi ka aapke liye karenge, kya wo currently itni cricket khelte hue aa rahe hain ki wo 14 match lagatar is garmi mein acha kar payenge, swinging condition nahi hone wali hain. I am not 100% certain. I have a huge amount of respect for Dale Steyn. इनफैक्ट मेरे एक IPL के मैच में उन्होंने मुझे आउट भी किया था लेंथ फोर. ऐसे मेरे जैसे तो पता नहीं कितनों को आउट किया होगा उन्होंने, पर आई डोंट थिंक अभी नहीं. वो 2008-09-10 अलग बात थी, 2020 में आ गए. तो आई डोंट थिंक दैट ही कुड बी दैट गाय जिसके लिए मतलब जो RCB का जो भविष्य बदल देंगे. नई बॉल से मे बी अ ग्रेट स्पेल हियर एंड देयर बट डेथ पुलिंग. आदित्य गुप्ता नहीं, अद्वित्य गुप्ता जी, सॉरी ब्रादर. Who could be the unexpected performer in this IPL? Unexpected तो नहीं है ये खिलाड़ी जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं चॉइस करने वाला हूँ. माई चॉइस इज एक्चुअली ग्लेन मैक्सवेल. क्योंकि इतनी बार मतलब जिससे भी मैं बात करता हूँ कहता हूँ ना कि यार उनकी IPL अच्छी रहने वाली है, सब मेरे को देख के हंसते हैं, कहते रहें दे यार आकाश. बहुत अप एंड डाउन रहता है, हॉट एंड कोल्ड, दिस एंड दैट, नॉट कंसिस्टेंट. कितनी बार आप उन पर दाम लगाओगे? कोई भी टीम मतलब पैसे बहुत खर्च करती है पर उसका रिवॉर्ड उतना नहीं मिलता है. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अच्छा साल रहेगा इनके लिए, ये अच्छा साल रहेगा. कंसिस्टेंट रहेंगे, पहले से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे. आई मीन KXIV जीते ना जीते बाद में क्या हो, आई डोंट नो. नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स टू रीच द फाइनल फोर, पर ग्लेन मैक्सवेल का अगर अच्छा रहता है तो मुझे लगता है रहेगा, और जब अच्छा रहेगा तो फिर टीम भी अच्छा करेगी. तो ग्लेन मैक्सवेल, आई एम एक्चुअली पिनिंग माई होप्स ऑन ग्लेन मैक्सवेल. मर्क्यूरियल प्लेयर, मैवरिक सॉर्ट ऑफ प्लेयर, पर ठीक है यार, मजा आएगा. ग्लेन मैक्सवेल विल बी माई चॉइस फॉर दैट अनएक्सपेक्टेड कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर IPL 2020. Vivek Malhotra ji, which player battle are you most looking forward to watch? Quite a few man, quite a few. Just imagine KKR versus RCB, Pat Cummins versus Virat Kohli. What a battle. I mean, what a battle. बड़ा मज़ा आता है वो देखने में कि पैट कमिंस तंग करते हैं विराट को, लेकिन विराट कोहली को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा तंग किया है, पर कोहली तो कोहली है. कोहली जो है वो बड़ा अच्छा बैटल नज़र आएगा वहाँ पर, और एक बार नहीं दो बार होगा. फिर आपको जोफ्रा के सामने दोबारा मिलेंगे डेविड वार्नर. अभी जोफ्रा की जेब में था डेविड वार्नर का नंबर, पर ये कंडीशंस अलग होंगी, ये फॉर्मेट अलग होगा. तो यहाँ पर जब एक दूसरे के बीच में द्वंद्व होगा तो द्वंद्व देखने योग्य होगा, बड़ा मजा आएगा. KL राहुल वर्सेस जसप्रीत बुमराह, दैट्स अनदर बैटल यार. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच देयर प्लेंटी ऑफ बैटल्स एक्चुअली. सुनील नारायण वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी, आई मीन कितनी सारी बैटल्स होती है. दैट्स वाई दिस टूर्नामेंट इज सो सो स्पेशल एंड सो सो क्लोज टू माई हार्ट. आई लव दिस टूर्नामेंट एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैटल्स. इनफैक्ट बैटल्स की बात करूँ तो वो रियल 11 पे जाके अपनी टीम भी बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आज किस बैटल में कौन विजेता रहने वाला है, तभी आप अपनी टीम ढंग से बना पाएंगे और जीत पाएंगे. माई लास्ट क्वेश्चन इज हसनान शेख जी, दिस इयर्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी.
This is a tough one. See, most valuable player dhoondna pure tournament mein before the tournament has started, it is going to be a Herculean task. Most valuable player has to be a bit of an all-rounder जो आपको दो काम करके दे. All-rounders की सूची में हार्दिक पंड्या याद आते हैं आपको, आपको आंद्रे रसल याद आते हैं आपको. I'm split यार, I don't really have an answer for you on this one. In terms of say highest run scorer could be KL, Virat, इन दोनों में से कोई. Highest wicket taker चाहल, चाहल की तरफ मैं जा रहा हूँ. I'm very heavily loaded in favor of चाहल. Maybe कुलदीप और सुनील नारायण could be a possibility. I'm looking for a spinner. But most valuable player, नहीं यार, मैं हार्दिक पंड्या. I'm going Hardik Pandya as the most valuable player for IPL 2020. Let's see, because it will be a race between Hardik and Andre Russell. Hardik from injury se wapis aa rahe hain, par main phir bhi apna daav khelna chahta hu is khiladi ke upar, kyunki ye khiladi na mujhe bahut pasand hai. Ab aap batayega aapko kaisa laga ye segment, aur like kijiye, share kijiye, subscribe kijiye, comment kijiye, notification ghanti zarur baja dijiye, kyunki Castrol Active presents hashtag ask Akash. To aaj tak kal aayega Castrol Active presents super over, jiske andar hum karne wale hain Chennai Super Kings versus the Mumbai Indians. Opening encounter का preview. IPL is here, IPL is now, we are all ready. Are you?